हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद संगीता। दोस्तों, जहाँ बात साउथ इंडियन खाने की आती है तो उसमें डोसा और सांभर हम ही सबका यह फेवरेट होता है, तो आज मैं आपके साथ उसी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप भी देखेंगे कि डोसा बनाना इतना इजी है। आज हम बनाएंगे डोसा विद सांभर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डोसा बनाने के लिए बैटर को भिगोएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी राइस लिए हैं और 1 कटोरी सफ़ेद उड़द की दाल ली है। तो आपको मेज़रमेंट यही रखना है, चावल हमेशा 3 गुना होंगे और दाल हमेशा 1, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चने की दाल, 2 चम्मच अरहर की दाल ली है जिसे माँ की दाल भी बोलते हैं, और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच मेथी दाना लिया है। तो हम ये सारा मेज़रमेंट एक्यूरेट करेंगे जिसके साथ हमारे डोसे ना बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप चाहो तो पोहा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पोहा यूज़ नहीं करा है, पोहा कम्प्लीटली आपके लिए ऑप्शनल है। तो इस सारे इंग्रेडिएंट को मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिया है। तो मैं यहाँ रात भर के लिए इस इंग्रेडिएंट को भिगो के रख रही हूँ, तो आप भी इसे 8 से 10 घंटे भिगो के रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये इंग्रेडिएंट सारे के सारे भिगो के रख दिए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इस इंग्रेडिएंट को देखेंगे। तो हमारा जो राइस और जो दाल है ना, वो अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट को ग्राइंड कर लूँगी। तो आप इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्सी में पीस सकते हैं, क्योंकि डोसे में तो हमें पानी बाद में भी डालना ही है। तो आप अगर पानी पीसने के टाइम में डालेंगे तो इससे क्या होगा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो देखिए, डोसे का पेस्ट है वो ऑलमोस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने जितना मेरा बैटर था उतना ही मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। आप पानी को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो डोसे की कंसिस्टेंसी है एकदम रनिंग हो, क्योंकि डोसे की जो बैटर होता है एकदम पतला होता है। तो अब देखिए, मेरा तो जो डोसे की जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल के इस डोसे को फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी। तो कम से कम 4 से 5 घंटे हम इस डोसे के बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। तो मैं एक प्लेट ढक के इसे फर्मेंट होने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए, इतने हम अपने सांभर की बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ड्रमस्टिक लिए हैं, 1 घिया लिया है, 3 गाजर, 1 जुकीनी और 1 पत्ता गोभी मेरे पास, और 1 आलू। मेरे पास यहाँ पे जुकीनी थी, अगर आपके पास यहाँ पे पेठा है तो आप पेठा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सारी वेजिटेबल को अच्छे से चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। और मैंने यहाँ पे दाल यहाँ पे 1 कटोरी ली है। अब हम यहाँ प्रेशर कुकर में इसे सीटी लगा लेंगे। तो प्रेशर कुकर में सीटी लगाते समय हम यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक डालेंगे, और यहाँ पे पानी को आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हमें, क्योंकि जो सांभर बनाना है तो उसके लिए हमें सब्जियाँ अच्छे से मैश चाहिए, तो आप यहाँ पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें इसे अच्छे से पकाना होता है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 6 कटोरी पानी डाल दिया है। तो अब मैं कुकर का लिड बंद करके इसे अच्छे से सीटी ले लूँगी। तो हमें करीब 6 से 7 सीटियाँ यहाँ पे लेनी है ताकि दाल अच्छे से घुट जाए। देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिड बंद कर दिया और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब सांभर में, क्योंकि यहाँ पे इमली भी डलती है, तो मैंने यहाँ पे पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें यहाँ पे इमली लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी इमली ली है। कहीं कहीं इस इमली को कटारे भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी में इस इमली को अच्छे से भिगोने के लिए रख दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो सके और आसानी से हाथ से हम मैश करके इसे अपने सांभर में ऐड कर सकें। तो देखिए, इतने हमारे सांभर में भी अच्छे से सीटी आ चुकी है, दाल अच्छे से बॉयल हो गई है। मैंने जैसे ही कलची से चलाया तो ये अच्छे से घुट चुकी है। अब हम इसमें एक छन्नी की मदद से जो इमली का हमने यहाँ पे पानी में घोल के रखा था, इसे अच्छे से छान देंगे। तो देखिए, ये जो इमली है ये आराम से अच्छे से मैश हो गई है और मैंने इसे छान लिया है। तो देखिए, इमली का खट्टापन है वो सांभर में चला गया है। तो देखिए, आप इसे कलची की मदद से अच्छे से इसे मैश करके छान लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे सांभर मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का सांभर मसाला ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच सांभर मसाला लिया है। अब हम इसे सांभर में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस सांभर में एक अच्छे से उबाल लेना है, इसलिए मैंने इसे अभी मिक्स कर दिया था। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 चम्मच तेल को गर्म कर दिया। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं 1 चुटकी हींग डालूँगी, 2 हरी मिर्च, और इसके बाद हम इसमें कुछ करी पत्ते। तो यहाँ तड़के के लिए मैंने यहाँ पे सरसों ली है, जिसे राई बोलते हैं। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच सरसों ली है। जैसे ही राई हमारी तड़क जाएगी, हम इसमें करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते से जो भी ना सांभर का टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे करी पत्ते डाल दी हैं। अब हम करी पत्ते को भूनने तक का वेट करेंगे। तो जैसे करी पत्ते भून जाएंगे हम यहाँ पे एक चम्मच लाल मिर्च यूज़ करेंगे, क्योंकि लाल मिर्च से ना एकदम अच्छा कलर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी देगी मिर्च यूज़ करी है, जिससे कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है। तो हम इस तड़के को अच्छे से कलछी से जला लेंगे और इसके ऊपर जैसे हमने सांभर जो हमने साइड में बना के रख रखा है उसके ऊपर टेम्परिंग कर देंगे। तो देखिए जो तड़का है वो एकदम अच्छा सा बन चुका है। अब हम इसे जो कुकर में मैंने यहाँ पे सांभर रखा है उसके ऊपर अच्छे से टेम्पर कर दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। लेकिन अब हमें एक सांभर में एक अच्छे से एक उबाल ले लेते हैं, क्योंकि फिर जो सांभर होता है उसका टेस्ट एकदम गर्म गर्म अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर कुकर को गैस पर रख रही हूँ और एक अच्छे से बॉयल ले लूँगी। तो देखिए जब तक कि हमारा सांभर अच्छे से बॉयल हो रहा है तो हम डोसे के लिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही चार बड़े आलू को उबाल के रख रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच मिर्च ली है जिसे मैंने बारीक चॉप कर रखा था, और कुछ करी पत्ते और तेज पत्ता लिया है। मैंने यहाँ पे एक चम्मच ऑयल को पहले से ही हीट करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल हीट हो जाएगा मैं इसमें एक चम्मच जीरा, हींग और राई डालूंगी। तो जैसे ही राई और जीरा अच्छे से भून जाए, तो जीरा अच्छे से भून चुका है, इसके बाद मैं यहाँ पे दो सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता अच्छे से डाल दूंगी। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ करी पत्ते डाल रहे हैं। तो जैसे ही करी पत्ते अच्छे से भुन जाएंगे हम इसमें उबले हुए आलू को ऐड कर देंगे। तो मैंने उबले हुए आलू के साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो मैंने काट रखी थी ऐड कर दिया है। तो देखिए अब हम इस आलू की जो सब्जी है उसे अच्छे से चला लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब मसाला डोसा बना रहे हैं तो उसमें जो टेस्ट होता है ना वो आलू वाले मसाले का ही होता है। तो मसाले में मैंने यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च यूज़ करी है, दो चम्मच धनिया पाउडर यूज़ करा है, एक चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला यूज़ करा है। नमक मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया है। आप नमक को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिला लेंगे कलछी से। तो देखिए मैंने ये मसाले यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब ये मसाले और आलू जब तक अच्छे से मिल जाएंगे तब तक हम कलछी की मदद से इन्हें मिलाते रहेंगे। तो जैसे ही ये पिट्ठी तैयार हो जाएगी उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नींबू का रस लिया है जो मैं यहाँ पे डालूँगी। नींबू के रस से क्या होता है, जो आलू की सब्जी में ना ये टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और नेचुरल खटास आ जाती है। तो देखिए जो आलू और मसाले हैं वो अच्छे से मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आधा नींबू ले रही हूँ जिसे मैंने निचोड़ के डाल दिया है। तो जो आलू मसाला है वो तो एकदम रेडी हो चुका है, अब हम इसे रख देंगे साइड में। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब हम डोसे की तैयारी करते हैं। तो अब हमने देखा कि डोसे का जो बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। मैंने ये 4 से 5 घंटे के लिए फर्मेंट करा था। अब अगर आप इसे ज़्यादा फर्मेंट करना चाहें तो ये और भी अच्छे से हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, इसमें भी डोसे हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है, मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा ली है। मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम इस पर थोड़ी सी पानी की छींटे मार लेंगे, ताकि जो है इसमें हम जो हमारे डोसे हैं वो चिपके ना। अब मैंने टिश्यू की हेल्प से तवे को साफ कर दिया है। तो देखिए जो हमारे तवे में है चिकनाहट आ चुकी है। अब इसके बाद मैं जो डोसे का बैटर है, मैंने यहाँ पे एक कलछी बैटर लिया है और इसे मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं एक छोटा डोसा बनाती हूँ, पता चल जाए कि जो हमारा डोसा है वो चिपक तो नहीं रहा और जो है वेस्टेज भी बहुत थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो देखिए मेरा जो डोसा है परफेक्ट एकदम अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड हो चुका है। तो इसका मतलब मेरा बैटर जो है वो बहुत ही सही है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ साइड में। हमें शुरू शुरू में एक दो डोसे में जो है तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद के हमारे डोसे विदाउट ऑयल अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट डोसा आ चुका है। अब हम इसे पलटेंगे नहीं। देखिए इस तरह आपको रेड रेड जो है वो डोसे का कलर चेंज होता है वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डोसा है वो परफेक्टली पक चुका है। अब मैंने यहाँ पे आलू मसाला यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है और देखिए ये हमारा डोसा रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको सेफ साइड एक और डोसा बनाना सिखा देती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से एक आइडिया हो जाए। तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक बड़ा डोसा बना रही हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे एक कलछी ली है और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थिक है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो बाद में। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको पानी बाद में नहीं ऐड करना। तो देखिए मैंने यहाँ पे डोसे को स्प्रेड कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा और घी से मैंने यहाँ पे साइड साइड में थोड़ा सा घी डाल दिया है। तो डोसा एकदम परफेक्ट यहाँ पर पक चुका है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि डोसे का कलर जो है एकदम चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें आलू मसाला यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो एकदम परफेक्ट डोसा बना है। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ना
ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। एंड बिलीव मी, आपके डोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने यहाँ जितना इंग्रेडिएंट लिया था उससे मेरे यहाँ पे 20 डोसे कम से कम रेडी हो गए हैं। तो हम अपने डोसे को सर्व करेंगे सांभर और अपनी दो तरह की चटनी। मैंने यहाँ पे एक नारियल की चटनी और एक रेड वाली चटनी बनाई है, जिनकी रेसिपी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए।